डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हरिद्वार जो सारी दुनिया की आध्यात्म और आस्था की राजधानी है और जहाँ चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ का जो प्रवेश द्वार है, वो हरिद्वार जो गंगोत्री से 300 किलोमीटर दूर पर गंगा के तट पर बसा है। अध्यक्षा जी, ये वो हरिद्वार है जहाँ हर 6 वर्ष में कुंभ होता है और हर 12 वर्ष में महाकुंभ होता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि 2010 का महाकुंभ, जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, तो मुझे करने का सौभाग्य मिला, जिसमें विश्व के 150 देशों के लगभग 8.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया था और एक ही दिन में 1.66 करोड़ लोगों की उपस्थिति ने धरती के इतिहास में एक अभिनव अद्भुत प्रयोग दिखाया था। ऐसा स्थान जो सारे विश्व का केंद्र है, उस स्थान पर यातायात की का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, क्योंकि प्रतिवर्ष 4 से 5 और 6 करोड़ लोग बाहर से वहाँ तीर्थाटन पर्यटन के लिए आते हैं। इसलिए उस यातायात को ओवरब्रिज रुड़की से और ऋषिकेश तक ओवरब्रिज बनाया जाए, मेट्रो स्थापित किया जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में सशक्त किया जाए, एम्बुलेंस दी जाए, और इसलिए ऋषिकेश और हरिद्वार पर सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थाटन पर्यटन केंद्र स्थापित करके सभी अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं। दुष्यंत चौटाला।